नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ रेलवे स्टेशन मास्टर का। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई थी, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, अभी परीक्षा प्रक्रिया चल रही है। तो मैं आपको रेलवे स्टेशन मास्टर का सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग का कुछ मनोबल बढ़े और आप लोग मोटिवेट हो सकें। तो यहाँ पर देखिए, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, बहुत ही कुछ तो पढ़ा नहीं जा रहा है, पढ़ा नहीं पा रहा है कि क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, देखिए, जैसे जो सकल वेतन है मतलब ग्रास पे है, वो आपका 44,764 का है। 44,764 जो है आपका सकल वेतन है मतलब रेलवे स्टेशन मास्टर में। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें कट जा रही हैं, जैसे LIP कट जाएगा और टोटल कुछ कट रहा है उसको 3,564 रुपया आपका कट जा रहा है। तो इस तरह से जो शुद्ध वेतन मिलेगा वह 41,190 रुपया शुद्ध वेतन मिल रहा है। तो यह आप लोग देख लें, 41,790 जो है, 190 जो है आपका शुद्ध वेतन मिल रहा है। 2,800 का ग्रेड पे है ये आपका स्टेशन मास्टर का, और बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं इसमें। तो यह बात आप लोग ध्यान रखें। और प्रमोशन भी तगड़ा होगा इसमें, प्रमोशन भी तगड़ा होता है, जिनका भी स्टेशन मास्टर में हो जाता है प्रमोशन तगड़ा होता है, क्योंकि अधिकारी का ग्रेड है और बहुत सारी सीटें रिक्त रहती हैं। तो यह सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। बस इतना आप लोग जानना कि 44,764 का यह शुद्ध वेतन है, सकल पे है, सकल वेतन है। और कुछ चीज़ें, कुछ मद है जो कुछ कुल कटौतियाँ हो जाएंगी, वो 3,574 रुपये की हो जाएगी, और कटकर जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वह 41,190 की मिलेगी। 41,190 की इन हैंड सैलरी मिलती है इसमें। लेकिन सुविधाएं जो होती हैं वह अन्य नौकरियों की अपेक्षा इसमें सुविधाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप कम से कम रेलवे में काम करते हैं तो आपको सुविधाएं बहुत सारी मिलती हैं। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन मास्टर की अगर नियुक्ति होती है तो बहुत जल्द इसमें क्या बोलते हैं, प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद आप लोग को।